हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद है। आज से मैं एक नया टॉपिक शुरू करता हूँ, क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, हेडक्वार्टर एंड रोल्स, जैसा कि आपको स्लाइड में ही दिखाई दे रहा है, ये क्रेडिट रेटिंग के लिए सिर्फ एक वीडियो है, फुल वीडियो। आप एक वीडियो में पूरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीखेंगे इंडिया के अंदर। एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी क्रेडिट एजेंसीज हैं, इनके हेडक्वार्टर्स क्या हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं दोस्तों, और क्रेडिट स्कोर के बारे में भी समझेंगे कि क्रेडिट रेटिंग की जो स्केलिंग होती है वो कैसे होती है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्रेडिट रेटिंग से। क्रेडिट रेटिंग क्या चीज़ है, उस बात से सबसे पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, फिर इसको जनरल टर्म में डिफाइन करेंगे। अ क्रेडिट रेटिंग इज एन इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, कि क्रेडिट रिस्क का मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वो एक कंपनी हो, एक कंट्री हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक पर्सन हो, प्रोस्पेक्टिव डेप्टर एन इंडिविजुअल बिजनेस कंपनी और अ गवर्नमेंट, प्रिडिक्टिंग देयर एबिलिटी टू पे बैक द डेब्ट्स एंड एन इम्प्लिसिट फोरकास्ट ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ द डेप्टर डिफॉल्टिंग। द क्रेडिट रेटिंग रिप्रेजेंट्स एन इवेल्युएशन ऑफ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ द क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटिव इंफॉर्मेशन फॉर द प्रस्पेक्टिव डेप्टर, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई द प्रोस्पेक्टिव डेप्टर एंड अदर नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाई अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। आइए दोस्तों, इसको मैं जनरल टर्म में समझता हूँ कि क्रेडिट रेटिंग है क्या चीज़। क्रेडिट रेटिंग दोस्तों किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति आदि के कर्ज लेने या उसे चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होता है। क्या है दोस्तों क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग वो चीज़ है जो किसी देश, संस्था, व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल है या कोई एक बिजनेसमैन है या कोई एक बिजनेस है या कंपनी है या गवर्नमेंट है, इसके कर्ज लेने, दोनों में है, कर्ज लेने या चुकाने की जो क्षमता का मूल्यांकन होता है उसी का ही क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति, संस्था या देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत है और कितना कर्ज लेने या उसे चुकाने की क्षमता रखता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी देश की साख का मूल्यांकन करते समय उसका आर्थिक विश्लेषण करते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, और वह पता लगाते हैं कि वह कितना सक्षम है। ये एजेंसी भी देश की क्रेडिट रेटिंग तय करते समय कोई निश्चित फार्मूला नहीं अपनाती हैं, बल्कि अपने अनुभवों और आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वे खुद ही किसी देश या संस्था की क्रेडिट रेटिंग तय करते हैं। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको क्रेडिट रेटिंग समझ में आया होगा। आज दोस्तों हम इसके कि क्रेडिट रेटिंग कंपनियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, और कैसे काम करती हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग वर्कआउट कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, जो क्रेडिट रेटिंग है इसका प्रोसेस क्या चीज़ है, कैसे इसका प्रोसेसिंग करी जाती है, क्रेडिट रेटिंग का जो प्रोसेस होता है, चाहे वो देश का हो या संस्था का हो या व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल का हो, बिजनेस का हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो, कंट्री का हो, कैसे किया जाता है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बिजनेस प्रोफाइल देखी जाती है। बिजनेस प्रोफाइल कैसी है, ऑपरेटिंग सेगमेंट एंड इंडस्ट्री स्टैंडिंग कैसी है, उस बिजनेस में रिस्क कैसा है, रिस्क है भी या नहीं भी है, उसके आगे की पीछे की परफॉर्मेंस देखी जाती है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाता है, एंड स्केल एंड मार्जिन कंपेयर्ड टू इट्स पीयर्स, रिवेन्यू एंड मार्जिन ड्राइवर इन द पास्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, कैश फ्लो जनरेशन कैपेबिलिटी कैसी है, कैश फ्लो जनरेशन कैपेबिलिटी कैसी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, बैलेंस शीट एनालिसिस एंड लिक्विडिटी प्रोफाइल, उस बैलेंस शीट के ही जरिए तो पता कर पाएंगे कि इन कैश आउट कैश है क्या चीज़, एंड मित्रों फाइनेंशियल रेशियोज एंड पीयर एनालिसिस किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपके पास में ये फ्लो चार्ट दिखाया गया है, इस फ्लो चार्ट में मित्रों आपके पास क्रेडिट रेटिंग स्कोर्स दिखाए गए हैं कि क्रेडिट रेटिंग स्कोर्स कैसे इंक्रीज करते हैं। जो सबसे एक्सलेंट होता है वो 750 से
850 के बीच में होता है। जो सबसे लोअर होता है जिसको हम लोग पुअर बोलते हैं वो 600 से 619 के बीच में होता है। ये तो था क्रेडिट रेटिंग का प्रोसेस और क्रेडिट रेटिंग का स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्रेडिट रेटिंग की कैलकुलेशन करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया लाइक क्रिसिल, CRISIL, ICRA, CARE, Onicra, ONICRA and SMERA, SMERA. These are the most common credit rating agencies. दोस्तों आज तक सारे, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने पढ़ा होगा, यहीं तक ख़त्म कर देते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। लेकिन मित्रों, इसके आगे भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया बहुत सारी हैं जो काम करते हैं। हम सबका फुल फॉर्म देखेंगे, सबका रोल देखेंगे, सबका हेड ऑफिस देखेंगे, सबका काम करने का प्रोसीजर देखेंगे। सबके अपने अलग अलग सेक्टर हैं। हर एक सेक्टर को मैंने इंडिविजुअल डिफाइन किया है और इंडिविजुअल डिवाइड किया है। आइए दोस्तों, एक एक सेक्टर को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला आता है सिबिल। सिबिल को समझते हैं, इंडियाज मोस्ट कॉमन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सिबिल क्या चीज़ है, सिबिल को समझते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। दोस्तों बहुत फुल फॉर्म पूछा जाता है कि सिबिल का क्या फुल फॉर्म है। इसमें पूछता क्वेश्चंस ऐसे है कि ये बताइए आपके पास में बी का फुल फॉर्म क्या है। आप फट से बोलेंगे कि बी का फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो है। आप फट से बता पाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछते हैं, किस साल इस्टेब्लिश हुआ था, 2000 में हुआ था। हेडक्वार्टर, दोस्तों हेडक्वार्टर जरूर पूछा जाता है। हेडक्वार्टर का कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र, इंडिया में है। आइए दोस्तों, क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जो हमने सिबिल पढ़ा भी, क्रिसिल पे आते हैं। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड 1987 को स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। दोस्तों अब हम इसके जो बेसिक टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उस एक एक कंडीशन को अच्छे से समझते हैं। जो क्रिसिल है, अ ट्रस्टेड रेटिंग ऑफ डेप्टर्स, इन्वेस्टर्स, डेप्टर कर्जदारी, इन्वेस्टर जो करते हैं, इंटरमीडिएट बिचौलिए, ठीक है, भारतीय के। क्रिसिल इज द इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। वाओ, फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है, क्रिसिल है दोस्तों, ये इसका लोगो है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया की पहली कौन सी है, क्रिसिल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद अ मार्केट शेयर मोर देन 60%। मार्केट शेयर इसके कितना है, 60% है। इट वॉज प्रमोटेड बाई ICICI लिमिटेड। ICICI लिमिटेड इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, इसका भी बहुत फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्होंने प्रमोट किया था इनको सबसे पहले। इन 1988 इट कमेंस्ड इट्स ऑपरेशंस। ये 1988 में इसने कार्य करना शुरू किया था। इन 1995 इन पार्टनरशिप विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संग में जो पार्टनरशिप की वो 1995 में किया। क्रिसिल डेवलप्ड क्रिसिल 500 इक्विटी इंडेक्स। क्रिसिल बिजनेस ऑपरेटेड फ्रॉम 8 कंट्रीज। कौन सी वो 8 कंट्रीज हैं, USA, अर्जेंटीना, पोलैंड, UK, इंडिया, चाइना, हांगकांग एंड सिंगापुर। आप कह सकते हैं कि क्रिसिल क्या एक मल्टीनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। क्यों, क्योंकि ये USA, अर्जेंटीना, पोलैंड, UK, इंडिया, चाइना, हांगकांग और सिंगापुर में कार्य करता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है ICRA। ICRA दोस्तों, जब हम ICRA के बारे में पढ़ेंगे तो आपको फिर से वही 3-4 बातें याद करनी है। इसका फुल फॉर्म, किस साल इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। फुल फॉर्म में मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है, आर का फुल फॉर्म बताइए, ए का फुल फॉर्म बताइए, या आपके पास में सी का फुल फॉर्म बताइए कि सी का क्या फुल फॉर्म है।
फुल फॉर्म क्या है इसका, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1991 को इस्टेब्लिश हुआ था। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1991 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, हेडक्वार्टर जो है वो इसका गुड़गांव में है, जिसको गुरुग्राम बोलते हैं। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि डिटेल में कैसे देखते हैं। ICRA ओरिजिनली नेम्ड एज द, देखो इसका ओरिजिनल नेम क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन। ये जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ये इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको ICRA इंडिया भी कहते हैं, इज एन इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। इट इज़ द सेकेंड, इंडिया सेकेंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। दैट इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप कह सकते हो अगर क्वेश्चन आया सेकेंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, दैट इज द, That name is Information and Credit Rating Agency in India. It was promoted by IFCI, Industrial Finance Corporation of India, IFCI के द्वारा इसको प्रमोट किया गया था, and other financial investment institutions. Role इसके क्या क्या हैं, Investment Information and Credit Rating Agency के, Corporate Debt Rating करना है, Financial Sector Rating करना है, इशूअर रेटिंग है, बैंक लोन है, क्रेडिट रेटिंग है, पब्लिक फाइनेंस रेटिंग है, कॉरपोरेट गवर्नेंस रेटिंग है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस रेटिंग है, SME रेटिंग है। दोस्तों जो ये SME होता है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस रेटिंग है, म्यूचुअल फंड रेटिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रेटिंग है, प्रोजेक्ट फाइनेंस रेटिंग है, एंड इंश्योरेंस सेक्टर रेटिंग आर द टाइप ऑफ रेटिंग ऑफर्ड बाई ICRA। ICRA दोस्तों क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा। अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, CARE। इसका दोस्तों जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र। ज़्यादातर करके दो ही जगह पे हैं, एक तो दोस्तों मुंबई में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा गुरुग्राम में, बस दो ही जगह पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। तो जो CARE है इसका मतलब होता है क्रेडिट, ए का मतलब एनालिसिस, आर का मतलब रिसर्च और ई का मतलब क्रेडिट एनालिसिस रिसर्च लिमिटेड, जो कि 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब आते हैं हम लोग CARE एज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे आते हैं। ये जो है ना, ये दोस्तों थर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कौन सी है, थर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये कब काम करना शुरू किया था, ऑपरेट करना शुरू किया था, अप्रैल 1993 में किया था। इट वाज मेनली प्रमोटेड बाय IDBI आ गया मित्रों। IDBI को हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे कि IDBI क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, एलॉन्ग विद केनरा बैंक, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड अदर फाइनेंशियल एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। रोल क्या है इसके, रोल क्या है क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च के। इट ऑफर्स अ क्रेडिट रेटिंग ऑफ फॉलोइंग एरियाज लाइक डेप्ट रेटिंग, बैंक लोन रेटिंग, इशूअर रेटिंग, कॉरपोरेट गवर्नेंस, रिकवरी रेटिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेटिंग। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। दैट इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट आपके पास क्लियर कर रहा हूँ, उनसे रिलेटेड जितना भी स्टैटिकल डेटा है उस सब का सब दे रहा हूँ कि उन्होंने काम करना कब शुरू किया था, उनका नंबर क्या है क्रेडिट रेटिंग पे, उनके हेडक्वार्टर्स क्या हैं, उनको मेनली ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है ओनिक्रा। ये भी बच्चों गुरुग्राम में सिचुएटेड है। ये भी कहाँ पे है, गुरुगांव में है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1993 में हुआ था।
इसका जो फुल फॉर्म है वो ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ओनिडा क्या चीज है? ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया 1993 में आया था, गुरुग्राम में इसका हेड ऑफिस है। आइए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखिएगा। ये जो था ना, ये प्राइवेट सेक्टर की एजेंसी है। ओनिडा इज अ प्राइवेट सेक्टर एजेंसी विच वॉज सेट अप बाय द ओनिडा फाइनेंस। ओनिडा फाइनेंस ने इसको इस्टेब्लिश किया था। इट परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ एरिया सच एज अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंक एंड मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड कस्टमर रिलेशंस। इट इन्वेस्टिगेट डेटा एंड अरेंजेस अ पॉसिबल रेटिंग सॉल्यूशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड इंडिविजुअल। रोल क्या क्या चीजें हैं इसके ओनिडा के? रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट एंड एनालिटिकल सॉल्यूशन फॉर इंडिविजुअल्स MSME। MSME दोस्तों क्या होता है, आप इसको फुल फॉर्म ध्यान से सुनिए। आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठे, जितने मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ दोस्तों आप उनको नोट करते चलिए। सबसे पहले M मतलब माइक्रो, नेक्स्ट S का मतलब स्मॉल, नेक्स्ट M का मतलब मीडियम, E का मतलब इंटरप्राइजेस। ठीक है, क्या हो गया? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइजेस। As well as for well established corporate organizations are offered by ओनिडा। अब आते हैं हम लोग स्मिरा, SMERA। इसका दोस्तों फुल फॉर्म देखते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी इंडिया लिमिटेड। ये दोस्तों 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हेडक्वार्टर हैं वो मुंबई और गुरुग्राम में हैं। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। SMERA इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया विच वॉज सेट अप फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2005। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों? 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसने इस्टेब्लिश किया था? सिडबी ने। आपको सिडबी के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। उठाइए कलम, उठाइए कॉपी, मैं बताता हूँ आपको एक एक चीज सिडबी के बारे में। कब इस्टेब्लिश हुआ था, हेड ऑफिस कहाँ है, इसके हेड कौन से हैं। सिडबी का सबसे पहले फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये कहाँ है? ये हमारे शहर लखनऊ में है, क्योंकि दोस्तों मैं लखनऊ यूपी का निवासी हूँ। सिडबी का हेड ऑफिस कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ में कहाँ पे है? गोमती नगर में है। ठीक है, सिडबी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? लखनऊ में है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990 को। इसके जो हेड हैं वो हैं शारदा कुमार होटा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सिडबी की फुल फॉर्म और हेड ऑफिस और हेड और इस्टेब्लिश डेट सारी पता चल गई होंगी। तो इसको 2005 में सिडबी के द्वारा डून एंड ब्रैड स्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम DNB एंड सम अदर चीफ बैंक्स ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया था इन 1999। SMERA हैज रजिस्टर्ड अंडर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इज ओनली द 6th रेटिंग एजेंसी इन इंडिया टू रेट इशूज सच एज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, बॉन्ड्स, कॉमर्शियल पेपर, सिक्योरिटी रिसिप्ट एंड अदर्स। रोल्स क्या हैं इसके? एज एन एक्सटर्नल क्रेडिट असाइनमेंट इंस्टीट्यूशंस, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्रीडिटेड SMERA टू रेट बैंक लोन रेटिंग अंडर Basel III guidelines। आइए दोस्तों, मैं आपको इंडिया के अंदर जितनी भी हैं, आप ये मेरा विश्वास करिए कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया में कोई सा भी डाउट नहीं आने वाला है।
आपको एक एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताई जाएगी। एग्जाम में अगर कोई सी भी पूछी गई आपसे, चाहे फुल फॉर्म हो या हेड ऑफिस हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या उसका काम हो या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो इस्टेब्लिश की गई थी, हर एक चीज़ आपको पता चलेगी। BWR ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आपको ऐसी ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में बताऊंगा इंडिया में काम करने वाली, जो इससे पहले आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी। दोस्तों जनरली लोग नहीं बताते हैं, जो बेसिक हैं, जो कुछ हैं, क्रिसिल हो गई, इकरा हो गई, केयर हो गई, फिच हो गई, यही सब बता के छोड़ देते। लेकिन मैं आपको इंडिया के अंदर जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं एक एक करके बताऊंगा, वो भी बिना किसी इंटरप्ट किए हुए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के बीच में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन। BWR ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दोस्तों ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में। अब जैसे बेंगलोर आ गया तो आप जान जाओ बेंगलोर में पहला हेडक्वार्टर आया है। तो बी मतलब बेंगलोर, बी मतलब ब्रिकवर्क, तो बी भी मैच कर गया, बन गई ट्रिक, भूलोगे नहीं कभी। बोलो ब्रिकवर्क बेंगलोर में है, कहाँ ब्रिकवर्क कहाँ है भाई, बेंगलोर में है। आइए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखते हैं, जितनी भी इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उसको एक एक करके देखते हैं। कहाँ पे है ये ब्रिकवर्क? बेंगलोर में है। इट इज़ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, वॉज इस्टेब्लिश इन 2007, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2007 में हुआ था। इट आल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रेडिंग ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टूरिज्म, NGO एंड सो ऑन। इट इज आल्सो एक्रेडिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इम्पेंड बाय द NSIC। NSIC पे आते हैं दोस्तों, इसका भी कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, N मतलब नेशनल, S मींस स्मॉल, I मींस इंडस्ट्रीज, C मींस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। NSIC मींस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। इट ऑफर्स बैंक लोन, कॉमर्शियल पेपर, MSME, अभी मैंने बताया हुआ है, एंड ग्रेडिंग सर्विसेज। रोल ऑफ VWR, VWR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेटिंग बैंक लोन्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कैपिटल मार्केट है। दो मार्केट होते हैं दोस्तों, एक मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो होता है वो RBI के द्वारा हैंडल किया जाता है, और जो कैपिटल मार्केट होता है वो SEBI के द्वारा हैंडल किया जाता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस SMEs एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस रेटिंग। अभी दोस्तों बताएं BWR क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का हेड ऑफिस कहाँ है? बेंगलोर में है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट उस पे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे इंडिया पे, जो कि दोस्तों जिसका नाम है आपके पास में ECIS, Equifax इंडिया। यस, का फुल फॉर्म देखा जाए तो E का मीन्स Equifax, C का मीन्स क्रेडिट, I का मीन्स इंफॉर्मेशन, S का मीन्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। किस सन में इस्टेब्लिश हुआ था? 2010 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई इंडिया। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, इससे पहले वाले का हेडक्वार्टर कहाँ था? बेंगलोर में था। ठीक है दोस्तों, आते हैं दोस्तों इस पे, इसके बारे में जितनी इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं Equifax के बारे में पढ़ते हैं। Equifax इंडिया इज सब्सिडरी ऑफ Equifax US। ये पूछा जा सकता है कि Equifax इज अ सब्सिडरी ऑफ Equifax US। ये एक US यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, सहायक कंपनी, विच वॉज इस्टेब्लिश इन 2010, जो कि 2010 में भारत में इस्टेब्लिश की गई थी। इट फॉर्म्ड अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन द पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी कौन सी है इसकी? यह है पेरेंट कंपनी Equifax US पेरेंट कंपनी, एंड 7 प्राइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, UBI, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, सुंदराम फाइनेंस एंड रिलीगेयर। ये सारे लोगों ने मिल करके पेरेंट कंपनी के संग में Equifax इंडिया 2010 में भारत में इस्टेब्लिश किया।
Equifax India has an energetic team of experts and lenders who come from the banking and financial services of the world. Rules kya hain ESIC ke? Reports provided by Equifax India includes basic or enhanced consumer information report, Equifax alerts and microfinance institution credit information. Next पे आते हैं दोस्तों, Experian India, ये भी credit rating agency है हमारे देश के अंदर. Experian India कब establish हुई थी? 2006 में. Headquarter कहाँ पे है? मुंबई में है. हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में है. आइए दोस्तों अदर डिटेल्स पे आते हैं और इसकी एक एक करके इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं. इन फरवरी 2010 एक्सपीरियन इंडिया बिकम्स अ फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी टू बी अवार्डेड अ लाइसेंस ऑफ न्यू क्रेडिट कंपनीज रेगुलेशन एक्ट. ये बात तो तय हो गई, इसको मैं इसीलिए मैंने लास्ट में ला करके रखा है. ये बात बिल्कुल फिक्स हो गई, जो कंपनियां जितनी भी क्रेडिट रेटिंग कंपनियां हैं उनके लिए एक्ट बनाया गया है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी. सबसे इंपॉर्टेंट बात में जो है ना वो सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में, जिससे क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है, चाहे YBPS हो, RRBs के हो या अदर स्पेशलिस्ट सेक्टर का हो, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है. क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट CICRA एक्ट 2005, जिसके तहत क्रेडिट रेटिंग कंपनीज को हम लोग क्रेडिट लाइसेंस देते हैं. एक्सपीरियन इंडिया आल्सो बिकम अ फर्स्ट CICRA लाइसेंस क्रेडिट ब्यूरो ऑन 12 अगस्त 2010 टू गो लाइव विद इट्स ऑपरेटर्स. रोल क्या क्या है इसके एक्सपीरियन इंडिया के? एक्सपीरियन इंडिया इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपनीज. वन इज द एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड क्रेडिट इंफॉर्मेशन. अनदर वन इज एक्सपीरियन सर्विसेज ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ये प्रोवाइड क्या करती है? दिस प्रोवाइड रिलीवेंट डेटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिवेन्यू. ये दो तरीके से काम करती है. आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब जो बात थी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है उसके बाद मैं फिर थैंक यू बोलता हूँ. जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चाहे जो सी भी हो दोस्तों, इंडिया के अंदर हर एक चीज़ को हैंडल करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे यहाँ पे. हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे RBI का मैंने वीडियो डाला तो बैंकों को हैंडल करता है. आज दोस्तों मैं कई चीज़ें बताऊंगा आपको. एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज आती है. मर्चेंट बैंकिंग जैसे स्टूडेंट पढ़ता है वैसे कहता है कि मर्चेंट बैंकिंग कंपनी है, तो मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को कौन हैंडल करता होगा? फर्स्ट से लड़का बोलता है RBI. नहीं दोस्तों, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज को सेबी हैंडल करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ऐसे ही दोस्तों जो हमारे देश में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसको सेबी हैंडल करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. दैट इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ऐसे ही दोस्तों चलो मैं और बता देता हूँ. निधि कंपनीज होती हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा हैंडल की जाती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंश्योरेंस कंपनी IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. हाउसिंग फिनेंस कंपनी NHB करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक करता है. वेंचर कैपिटल फंड ये भी सेबी हैंडल करता है. मर्चेंट बैंकिंग मैंने बता ही दिया आपको, और स्टॉक ब्रोकिंग से भी हैंडल करता है. दोस्तों इसी के संग ये वीडियो समाप्त होता है. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू फ्रेंड्स.